मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रक्षाबंधन के पर्व के पूर्व प्रदेश की लाडली बहनों को 250 रुपए की राशि भेंट स्वरूप प्रदान की गई, उनके खाते में आने लगी। वहीं इसी माह गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई। लाडली बहनों को मिले उपहार से बहनें प्रसन्न हैं। वहीं रक्षाबंधन के पर्व को लेकर फिलहाल बाजार में हलचल कुछ कम दिखाई दे रही है। शहर में राखी की दुकानें लगने लगी है। खेतिया शहर में सजी राखी की दुकानों पर अहमदाबाद, सूरत, धुलिया, इंदौर के बाजारों की राखियां हैं, जिनमें परंपरागत राखियों के साथ कई आधुनिक राखियां भी शामिल हैं। बच्चों के लिए विशेष प्रकार के कार्टून की राखियां, कहीं विशेष आकार, विशेष डिजाइन की राखियां बाजार में उपलब्ध हो गई हैं। राखी विक्रेताओं का मानना है कि इस बार बाजार में बहुत अधिक वैरायटी राखियों की है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कीमत में बढ़ोतरी भी है। खेतिया व इसके आसपास में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक भाई बहन के स्नेह, आशीर्वाद, परस्पर संबंधों के बंधन का पर्व निरंतर जारी रहता है। जहां एक ओर पिछले वर्ष की तुलना में राखियों की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं बाजार में बिकने वाला नारियल 20 रुपए की लागत मूल्य पर पहुंच गया है। शहर में लगे बाजार में आने वाले त्यौहार को रौनक लौटी है, यह उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल तो बाजार में लगी राखी की दुकानों को ग्राहकों का इंतजार है। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।